कैसे हैं आप लोग? आप लोग सोच रहे होंगे एयर ट्रैवल करना कितना कूल होता है, पर नहीं, बहुत बोरिंग होता है भाई। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को क्यों होता है बोरिंग। 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचो, सबसे पहले घर से निकलने का टाइम अलग, फिर चेकिंग करो, बोर्डिंग करो, वेट करो। तो आज मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ से घर और मेरे पास टाइम ही टाइम है, मेरे को वेट करना है 4 घंटे। 4 घंटे में करूँगा क्या? मैंने सोचा कि नेटफ्लिक्स ना देखूँ, मैं सोचा वेट करता हूँ और लोगों को देखता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, इस कुत्ते को देखता हूँ, ये भी वेट कर रहा है किस। हे डॉगी, कितने बजे फ्लाइट है तेरा, ये नहीं बता रहा मेरे को। तो यहाँ पे बैठ के मैं पहले प्लानिंग करूँगा कि क्या क्या देखूँगा एयरपोर्ट में। सोचता हूँ, प्लानिंग करता हूँ, इधर उधर बातें कर लेता हूँ, लोगों को थोड़ा ऑब्जर्व कर लेता हूँ, देखता हूँ लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, फिर मैं जाऊँगा अंदर। बढ़िया से पढ़े लिखे रहते तो इस तरह का एयर ट्रैफिक कंट्रोल में मैं बैठे रहता। ऐ चिड़िया, आओ साथ में वेट करते हो, मेरे साथ बात करोगे? नहीं, मैं बात नहीं करूँगा। अभी यहाँ पे देखो, मैं यहाँ लगभग अभी आधे घंटे बैठ गया हूँ और ये भाई साहब को देख रहा हूँ कि उस स्क्वायर सा एरिया को कितना साफ कर रहा है। 45 मिनट हो गए और मैं बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ, अपने पैर को हिलाते हुए देख रहा हूँ। वैसे मेरा शू आप लोगों को कैसे लगा? 50 मिनट वेट करते करते अब मुझे आने लगी नींद, मुझे उठ के चलना पड़ेगा, सुसु भी आ रहा है। देखो भाई साहब, अभी कुछ मशीन ही ले आया उस स्क्वायर को साफ करने के लिए, इतना मेहनत सफाई करने के लिए, वो भी एक पर्टिकुलर स्क्वायर को पहली बार देख रहा हूँ लाइफ में। देखो भाई, 1 घंटा वेट करते करते अभी मुझे लग रहा है जोर से सुसु, मुझे ढूंढना है बाथरूम, मुझे पता नहीं किस तरह बाथरूम में, इधर उधर इतना जोर से सुसु लगा था कि मुझे बाथरूम ही नज़र नहीं आ रहा था। इतना बड़ा एयरपोर्ट में पता नहीं किधर बाथरूम था, बाहर में मिल ही नहीं रहा था। मैं सोचा चेक इन कर लेता हूँ, फिर चेक इन करके अंदर जाके मैं सुसु करता हूँ। इस मुश्किल टाइम में मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग सब सेफ रहे, स्वस्थ रहे और आप अपने परिवार के साथ खुश रहे। एयरपोर्ट के अंदर जो बाथरूम था वो बहुत ही सॉलिड था, एकदम नीट एंड क्लीन। देखो मेरे पीछे भी बगीचा भी है। जब इतना प्रेशर के बाद जब हल्का होता है ना, जो फीलिंग है सुकून का, ओ हो, कितना ज़बरदस्त सुकून वाला फीलिंग होता है, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा हो गया दिमाग क्लियर और मुझे दिख गई है लाल गाड़ी, हमें तो लेनी है लाल गाड़ी। लेकिन भाई ये है कौन सी गाड़ी? ये है लेक्सस की गाड़ी, बहुत ही शानदार और खूबसूरत गाड़ी है। कितने की है हमें नहीं पता, लेकिन ये इतना खूबसूरत है देखने में ना कि चलाने में तो भाई साहब बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन भाई ये बहुत ही महंगा गाड़ी होगा, ये ब्लू रंग का गाड़ी भी बड़ी ही मैचो और डैशिंग दी। अंदर का इंटीरियर डिज़ाइन तो गजब का है, लग रहा है किसी हॉलीवुड मूवी का स्पेसशिप है। मैं स्टारबक्स का नाम बहुत सुना था, लेकिन कभी हम एक्चुअल में ज़िंदगी में स्टारबक्स का कॉफ़ी शॉप नहीं देखा था। सोचा हूँ पी लेता हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस, हिम्मत ही नहीं कर पाया कि जाके स्टारबक्स पी लूँ। बाहर में मौसम बहुत ही सुहाना है, धूप है, गर्मी है, मज़ेदार है और अभी भी मेरे पास टाइम बहुत है टाइम काटने के लिए। एयरपोर्ट के अंदर ऐसे लंबे लंबे बिस्तर भी होते हैं जहां आप लेट के मज़े से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, सो सकते हो, मूवी देख सकते हो। हमने सोचा हम भी ट्राई कर लेते हैं, कुछ लेट के कुछ मज़ेदार होके कुछ मूवी देख लेते हैं, लेकिन हम सोचे नहीं, हम लोगों को ही देखेंगे। देखो लोग कितना डिसिप्लिन, वेल मैनर्ड और वेल एजुकेटेड हो जाते हैं अंदर आके। तो आज मैंने 4 घंटे एयरपोर्ट में टाइम बिताए फ्लाई करने से पहले, और मैंने लोगों को देखा एयरपोर्ट के अंदर कैसे सफाई होता है एक ही स्क्वायर के ऊपर, उसको भी देखा, एक चिड़िया को देखा, एक कुत्ता को देखा, लाल गाड़ी देखा, स्टारबक्स देखा और ये मुझे देखो कितना हैंडसम देख रहा हूँ मैं। तो आज का सफ़र मेरा यहीं ख़त्म होता है, हमारा बोर्डिंग कॉल हो गया, हम जाके बोर्डिंग करते हैं। देखो लोग जा रहे हैं बोर्डिंग करने, अजीब कपड़े पहन के जा रहे हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए भाई ज़रूरी है। और ये मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं इसको उतार लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पार्किंग में कितने फ्लाइट्स खड़े हैं, मेरे प्राइवेट जेट्स खड़े हैं मेरे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए 4 घंटे मेरे इस छोटा सा जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए। और प्लीज़ वो लाइक, उस लाल बटन को हिट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक एंड कमेंट कर दो, जो भी मज़ा आया वो भी बता दो, जो न भी मज़ा आया वो भी बता दो, और इस सुंदर सुंदर दृश्यों को आसमान से इंजॉय करिए।